Good morning, students. Today I'm going to explain you chapter 1 of English grammar. And the name of the chapter is The Sentence. ये chapter आप लोग third class में भी read कर चुके हैं. But still मैं आपको एक short introduction दूंगी इस chapter का. Third class में हमने read किया था chapter, तो उसमें एक topic नहीं था जो fourth में है. That is phrases and clauses. उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी आज. आज इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले दूंगी मैं आप लोगों को. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सो लेट्स रीड द डिफाइन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर पुट टुगेदर इन सच अ वे दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या होता है? जब हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं या एक साथ रीड करते हैं तो उनका कुछ कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ में रख दिया और वो सेंटेंस बन गया. नहीं, वो सेंटेंस मीनिंगफुल भी होना चाहिए. तो सेंटेंस में हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा सेंटेंस जो फॉर्म हो वो मीनिंगफुल हो. ओके, कुछ असेंशियल थिंग्स होती हैं जो हमें सेंटेंस लिखने से पहले पता होने चाहिए. असेंशियल थिंग्स टू रिमेंबर वाइल मेकिंग अ सेंटेंस. सो लेट्स सी व्हाट आर द असेंशियल थिंग्स. ईच सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से बिगिन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड इज फ्लाइंग. इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? द. और द का फर्स्ट लेटर क्या है? टी, जो कि कैपिटल है. ओके, ये हर सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट असेंशियल थिंग, सेंटेंस शुड एंड विद फुल स्टॉप और अ साइन ऑफ इंटरोगेशन. जो सेंटेंस हम एंड करते हैं, मतलब जब हमने पूरा सेंटेंस लिख लिया उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगेगा. फुल स्टॉप क्या होता है? एक डॉट जो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लगता है, या अ साइन ऑफ इंटरोगेशन. साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या है? क्वेश्चन मार्क. जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में इंटरोगेशन मार्क लगता है, मींस क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ फुल स्टॉप. द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स. उसके बाद मैंने ये डॉट लगाई है सेंटेंस के एंड में, ये होता है फुल स्टॉप. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंटरोगेशन. वेयर इज द एरोप्लेन. इस सेंटेंस के लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन जो सेंटेंस के एंड में लग रहा है. नेक्स्ट, मैंने आपको जिसे बताया था सेंटेंस की डिफाइन में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमने वर्ड्स साथ में लिख दिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे सीक्वेंस में होने चाहिए कि सेंटेंस का प्रॉपर सेंस निकले, मीनिंग निकले. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस ऑल्सो. यहाँ सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखे हैं लेकिन देखते हैं क्या इन वर्ड्स का सेंस निकल रहा है कुछ, क्योंकि एक लाइन में भी लिखे हुए हैं तो ये सेंटेंस है कि नहीं, चेक करते हैं. ब्लू स्काई इज द. इसका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, एक लाइन में भी लिखा है तो ये सेंटेंस होना चाहिए. लेकिन नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा है. तो हम इन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे. कैसे? द स्काई इज ब्लू. अब देखते हैं इसका सेंस निकल रहा है कि नहीं. इसमें क्या है? स्काई ब्लू है, इसका सेंस निकल रहा है. अब अपन जो मैंने आपको एसेंशियल्स बताए थे सेंटेंस के वो भी चेक कर लेते हैं, इससे पता पड़ जाएगा ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस है कि नहीं. फर्स्ट एसेंशियल मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी कैपिटल. इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है? द. और द का फर्स्ट लेटर टी, जो कैपिटल है. तो फर्स्ट वाला एसेंशियल तो हमारा फॉलो हो रहा है इसमें. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एसेंशियल अपना था सेंटेंस एंड होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप से या इंटरोगेशन मार्क से. सो ये हमारा क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं. क्या लगेगा? फुल स्टॉप, और जो कि लगा है. सो ये हमारा प्रॉपर सेंटेंस है जिसका सेंस भी निकल रहा है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है और एंड भी फुल स्टॉप से.
Okay, students, now let's read the phrase and the clause. Phrase or clause kya hote hain? Phrase, let's read the definition of phrase. A group of words that makes some sense but not complete sense is known as a phrase. Phrase kya hota hai? Kuch group of words hote hain, unka kuch meaning to nikalta hai, lekin completely meaning nahi de paate. Example se samjhati hu main aapko phrase kya hote hain. So let's read the first example. Across the river. इसका मीनिंग तो निकल रहा है रिवर के अक्रॉस, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है कि अक्रॉस द रिवर क्या, क्यों, कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. ऐसे हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या, क्यों, कुछ पड़ा है या क्या, हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है टेबल के नीचे, मतलब मीनिंग निकल रहा है इन वर्ड्स का, सेंस निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. तो ये क्या होते हैं? फ्रेजेस. अब क्लॉज पे आएंगे अपन. क्लॉज क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन रीड करते हैं. अ क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट. क्लॉज क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम साथ में लिखते हैं वो फॉर्म करते हैं एक पार्ट सेंटेंस का, जिसमें हमारे पास कंप्लीट सेंस भी होता है और वो क्या कंटेन करता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्लॉज को भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. द किंग सैट ऑन अ थ्रोन, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट है सेंटेंस में, सेंटेंस का मीनिंग में निकल रहा है. सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस का, किंग, और प्रेडिकेट क्या है, सैट ऑन अ थ्रोन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. फ्रेज में वर्ड्स टुगेदर होते हैं, हम लिखते हैं वर्ड्स टुगेदर बट उनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता. क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होते हैं सेंटेंस में और सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग भी निकलता है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फ्रेज एंड क्लॉज. डिफरेंस भी समझ में आ गया है, आ गया होगा आप लोगों को फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में. फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली. टुमारो वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम बुक. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.